तो बाजार में आज आपके लिए क्या कुछ खास है ये हम बताएंगे। आज हम स्पेशल एक सेगमेंट पर बात करेंगे, हम बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में। देखिए होता क्या है कि लोग स्मार्टफोन तो ले लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी ही उस फोन से ऊब जाते हैं, उसके बाद उनका मन करता है कि कोई नया फोन लिया जाए। ऐसे में लोग अब ये कोशिश करते हैं कि फोन जो हो वो कम कीमत वाला हो, ताकि वो साल भर में चेंज भी कर रहे हैं तो उन्हें कोई इश्यू ना हो, ज्यादा कोई बोझ ना लगे। ऐसे में आज आपको हम बताएंगे 10,000 रुपए की कीमत से कम में कौन कौन से स्मार्टफोन बाजार में उपलब्ध हैं, फोन की खासियत क्या है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है और आखिर उसका डिस्प्ले कैसा है। तमाम जानकारी आपको हम देंगे उन फोन्स के बारे में जो है बेहद खास और कीमत है 10,000 रुपए से कम। स्मार्टफोन बाजार में हैंडसेट के कई विकल्प मौजूद हैं, बजट से लेकर हाई एंड और फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक यूजर्स अपने पॉकेट के हिसाब से खरीद सकते हैं। कई यूजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें महंगे फोन लेने का कोई शौक नहीं होता, यानी वो बजट यानी 10,000 रुपए से कम तक के फोन पर ही वो संतुष्ट रहते हैं। अब फोन सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि फोन खराब होगा। कई स्मार्टफोन हैं जो 10,000 रुपए से कम कीमत में है और उनके फीचर्स अच्छे हैं। कौन कौन से हैं वो स्मार्टफोन आपको हम बताते हैं। सबसे पहले है Realme Narzo 30A, इसकी कीमत है 8,999 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज है, 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले है, ड्यूल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। दूसरा फोन है Infinix Hot 10S, फोन की कीमत है 9,999 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज है, 6.82 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले है, ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तीसरा फोन है टेक्नो स्पार्क 70, कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है 8,999 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात करें 4GB रैम और 64GB वाला स्टोरेज है, इसमें 6.52 इंच HD+ डॉट नॉच डिस्प्ले है, ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। चौथे फोन की बात करें तो ये है सैमसंग गैलेक्सी F02S, इसकी कीमत है 8,999 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ ये फोन है, 6.5 इंच HD+ इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके अलावा बात करें तो पांचवा फोन है माइक्रोमैक्स N1B, कीमत की बात करें 8,999 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज है, 6.5 इंच HD+ इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, ट्रिपल रियर कैमरा है, प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। यानी सैमसंग और माइक्रोमैक्स लगभग सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम कीमत है, कैमरा भी सेम है, लेकिन इन पांच में आपको कौन सा सिलेक्ट करना है आप इसे खुद देख सकते हैं जाकर स्टोर पर, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इसके रिव्यूज को भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए आखिरकार कौन सा फोन बेस्ट है। अच्छा, अगर आप ये फोन ले रहे हैं तो हो सकता है ऑनलाइन लेने पे आपको कुछ एक डिस्काउंट भी मिल जाए, स्टोर पर जा रहे हैं तो हो सकता है आपको इसके साथ कुछ गिफ्ट्स, यानी अगर हम बात करें बैक कवर की तो आपको बैक कवर मिल सकता है या फिर कोई और छोटे मोटे जो गिफ्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। यानी कि 10,000 से कम कीमत के बात करें तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि कीमत अगर 10,000 रुपए से कम है तो फोन खराब होगा। इस्तेमाल कीजिए और हमें भी बताइए कि आखिर कैसा लगा आपको आपका नया फोन।